नोमेनक्लेचर यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ स्फेरिकल सरफेस में अगेन वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। दिस इज कॉन्वेक्स, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिन करेंगे, एंड दिस इज कॉनकेव। ये कॉनकेव राइट, द सेम थिंग, दिस इज कॉल्ड पोल, मिरर की तरह, याद है ना मिरर का। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कहीं तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें फोकस नहीं होता, ओके, बिकॉज ये लेंस या मिरर नहीं है, तो इसमें फोकस नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एज इन केस ऑफ मिरर, ठीक है। एंड सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, सेंटर से कहीं पे भी सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। ए ए डैश, एक मिनट, वाई वाई डैश, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, सुना है ना, मिरर तो सुना ही है बचपन में, वाई वाई डैश इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। तो ये सरफेस है, करेक्ट, कॉन्वेक्स कॉनकेव। जो ऑब्जेक्ट वाला मीडियम है उसको हम यूजुअली म्यू वन लेते हैं, और जो वह दूसरा मीडियम है उसको हम म्यू टू लेते हैं, ठीक है। नाउ हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, फोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर। द सर्फेस इज लाइक दिस, ये डेंसर ये रेयर, या ये रेयर ये डेंसर। सर्फेस इज लाइक दिस, दिस में भी रेयर, दिस में भी डेंसर, और रिवर्स। तो अकॉर्डिंगली फोर डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होंगे। इन फोर सिचुएशंस में आपको किसी भी सिचुएशन में रिलेशन डिराइव करने के लिए बोला जा सकता है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। हमने ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज फॉर्म होगी, तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मैं एक सिंपल मैथड बताऊंगा, उसको फॉलो करोगे तो किसी भी केस में हो जाएगा। मैं एक ही करूंगा, वो जो भी तुम चूज करो, ठीक है। राइट, पहले तो इसमें नॉर्मन क्लेचर लिख दो, पी इज व्हाट, पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी इक्वल टू आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बना लो साथ साथ, ओ ऑब्जेक्ट, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइड मीडियम एंड म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर साइड मीडियम। डोंट से इमेज साइड, इमेज कैन बी ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑल्सो, द अदर साइड मीडियम, ठीक है। देन वाई वाई डैश इज अपर्चर, एन इज नॉर्मल, हाँ, एंड वी आर लिमिटेड टू दिस व्हाट वी आर डूइंग फॉर द स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट placed on axis, extended object में डील नहीं करते हम इसमें,
ठीक है, सेकेंड अपर्चर इज स्मॉल एंड हैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर स्मॉल. सारे एंगल स्मॉल एंगल है, जितने भी एंगल होंगे, और अपर्चर भी स्मॉल है. ये दो बेसिक अजम्पशंस हैं जो हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशन. सेम एज ऑफ मिरर, व्हाट आर दोज? इन डायरेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव, अपोजिट टू इंसिडेंस लाइट नेगेटिव. इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट नेगेटिव. अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. ठीक है, राइट. और जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है. ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड एज्यूम करो, हमेशा ड्रॉ करो तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ड्रॉ करो तो सारे लेफ्ट वाले नेगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव. पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है. ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर होते हैं. ठीक है, रे डायग्राम अगर बनाए, आई एम टेकिंग दिस वन. यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये म्यू वन रेयर है और म्यू टू डेंसर है. ठीक है, म्यू वन रेयर, म्यू टू डेंसर. ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और ये जो लाइन है ये नॉर्मल हो गया. ठीक है, ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया. अब आपको रे में हमें सिंगल रे चाहिए, है ना, सिंगल रे यूज़ करते हैं, करेक्ट. लाइक ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ पे जाएगी, ठीक है. अगर ये सरफेस नहीं होती तो क्या होता, ये सीधी ऐसे चली जाती. अगर सरफेस नहीं होती तो सीधी चली जाती, बट बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. व्हेन इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल सो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, and that will be the point of image. ये image होगी, ठीक है. That's simple diagram. दो lines draw करनी है, okay? एक incident ray और एक refracted ray. इसीलिए हम point object लेते हैं. अगर extended object लेंगे तो हमें multiple rays draw करनी पड़ेगी. जैसे lens या mirror में जब draw करते थे तो minimum दो light ray चाहिए होती थी. यहाँ पे एक लाइट रे कौन सी हो गई, खुद प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल में रिफ्रैक्शन होता नहीं है, और दूसरी लाइट रे ये हमने ड्रॉ कर ली जो घूम के गई. ठीक है, करेक्ट. व्हाट इफ इट इज डेंसर, इट इज रेयर. ठीक है, अवे फ्रॉम दिस. मैं यहीं पे बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, इसी में तुम मैं ड्रॉ करना. ये ऐसे बैंड होगी, ठीक है, ऐसे बैंड होगी तो इट विल कम लाइक दिस, ऐसे. ठीक है, और यहां पे इमेज बन जाएगी.
तो इमेज कैन बी ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑल्सो. अवे तो ऐसे बैंड हुई ना, ऐसे बैंड हुई तो पीछे आती मिलेगी ना, उधर प्रिंसिपल एक्सिस पे उधर तो मिलेगी ना, तो इधर मिलेगी तो ये इमेज बनेगी. ठीक है, तो आपको ये दो लाइन ड्रॉ करनी है और बस वो थोड़ा कॉमन सेंस से ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा. ठीक है, एंड जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना. ठीक है, कैसे कैसे करना है. ठीक है, अभी नोट मत करना, नेक्स्ट क्लास में मैं नोट करा दूंगा. एक बार घर पे करके देखना, खुद कर लिया प्रैक्टिस तो हो जाएगा. और सिर्फ इसके लिए नहीं, ये भी हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला भी हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. करेक्ट, व्हाट टू डू, आपके पास तीन डिफरेंट लाइंस है, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल. इन तीनों के एंगल मार्क कर लो प्रिंसिपल एक्सिस से. ठीक है, लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. ये तीन एंगल तो उन तीन रेस के हो गए, जो तीन लाइंस के हो गए जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है. फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मार्क करो. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन किससे होता है? नॉर्मल से. यहाँ पे नॉर्मल ये है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम. रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ दो लाइंस ड्रॉ करनी है प्रॉपरली. फिर उसके बाद पांच एंगल लाइन है, पांचों मार्क करने हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली नोट करा दूंगा. नेक्स्ट स्टेप, आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करो. करो, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है, तो आई हो गया अल्फा प्लस गामा एंड आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, क्योंकि आर प्लस बीटा इज गामा. एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस, ये हो गया. नेक्स्ट यूज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इट सेज, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. ठीक है, देन यूज द एजम्पशन दैट ऑल एंगल्स आर स्मॉल. ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया, तो दिस बिकम आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. सो देन म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, और आई आर को रिप्लेस कर दो अल्फा बीटा गामा से, तो ये हो जाएगा म्यू वन अल्फा प्लस गामा म्यू टू गामा माइनस बीटा. Now you need the value of alpha, beta, gamma. ठीक है, तो यहाँ से एक perpendicular drop करो, make it A and this is M. ठीक है, now small angle है तो sin theta is equal to theta is equal to tan theta. तो theta की जगह tan theta use कर लो, तो alpha को tan alpha use करो, then what is the value of tan alpha? ए एम अपॉन एम ओ प्लस ए एम अपॉन एम सी म्यू टू ए एम अपॉन एम सी माइनस ए एम अपॉन एम आई, ये आएगा. ए एम को कैंसिल हो गया सब जगह आके. As aperture is small, so M is close to P. M और P बहुत पास पास होंगे, तो M को P से रिप्लेस कर दो. ठीक है, राइट, हम सीधे सीधे पहले भी कर सकते थे. कैसे? एंगल इज इक्वल टू होता है रेडियस अपॉन आर,
ठीक है ना, उससे भी कर सकते थे, बट जनरली बुक्स में ये किया होता तो यही यूज कर सकते, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस का तो सीधे ए पी अपॉन दिस आ जाता पी सी, तो फिर हमको एम को पी से रिप्लेस करने की जरूरत, बट ठीक है ये बेटर है। तो एम की जगह पी रख दो, सो पी रखा तो ये बन गया म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। नाउ पी ओ इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉल्ड एज यू, साइन का वो नॉमेनक्लेचर वो यूज करते हैं जो हम लेंस और मिरर में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, पी सी इज इमेज डिस्टेंस दैट इज वी, एंड पी आई सॉरी आर, पी सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पी आई इज इमेज डिस्टेंस, हो गया। अब इनकी वैल्यूज प्लेस कर दो, पी ओ इज यू प्लस और माइनस, माइनस तो ये हो गया म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर, पी सी इज आर एंड दैट इज पॉजिटिव इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, वी इज पॉजिटिव, अदर देन यू सारे पॉजिटिव है, आर भी उस साइड है और वी भी उस साइड है। अब v और u एक साइड कर दो, r एक साइड कर दो, सो दिस बिकम माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। सिंपल स्टेप्स फॉलो करोगे अपने आप आएगा। ये ग्लास स्फीयर है और यहाँ पे इंक डॉट है, ठीक है, तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस सरफेस पे होगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये 1, ये U, ये R और आपको वी निकालना है, सो म्यू वन कितना हो गया 1.5, ऑब्जेक्ट साइड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दूसरी साइड 1, यू इज इक्वल टू जितना इसका डायमीटर, कितना डायमीटर 10 माइनस 10 एंड रेडियस इज इसका आधा माइनस 5, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ये कितना हो गया 1 बाई वी इज इक्वल टू 0.5/5 प्लस माइनस हो जाएगा इधर आके माइनस 1.5/10 तो ये हो गया माइनस 20। अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, और ये पोल के इस साइड है। लाइट जो इंसिडेंट इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट लाइट तो यहाँ है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होता तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता, तो फिर म्यू वन वन होता, म्यू टू 1.5 होता, करो
7th. Question number 7. इसमें ये ग्लास सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है म्यू वन वन म्यू टू 1.5 r, इस साइड है तो प्लस 20, यू कितना है 100, U is minus 100, ठीक है, हो गया, बाकी तो वैल्यूज रखनी है सॉल्व करने. लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, विच इज यूज बाई मेकर्स ऑफ लेंस, जो लेंस बनाते हैं, ठीक है. किसी भी लेंस की पावर कितनी होगी वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंड दूसरे ये दोनों सरफेस के रेडियस का क्या है. इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है जो भी लेंस की पावर है, ठीक है. जब हम कोई लेंस चाहिए क्या होता है, आइस चेक होती है, अकॉर्डिंगली एक पावर डिफाइन होती है, फिर उस पावर का वो लेंस बना देता है. कैसे बनता है लेंस, एक ग्लास ब्लॉक होता है, उसको वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द रेडियस दे ग्राइंड इट, उसको ऐसे ग्राइंड करते हैं, उसमें से ये पार्ट काट के निकाल दिया, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इज लेंस. तो बेसिकली ये कैलकुलेशन के लिए कि कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, वी यूज वी हैव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, करेक्ट. व्हाट दिस लेंस मेकर्स फॉर्मूला सेज, it is used by lens manufacturer. Correct. Given by 1 by F is equal to mu of lens upon mu of surrounding minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2, where mu L is refractive index of lens material, mu S is refractive index of surrounding, जो कि हमारे केस में क्या होता है, एयर, यूजुअली एयर. अगर एयर है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. आर वन आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सर्फेसेस, ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस ऑफ लेंस. बेसिकली लेंस में दो स्फेरिकल सर्फेसेस होती हैं दोनों साइड, उन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है. एंड दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय द रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, उससे डिराइव होता है. हाउ टू डू, सबसे पहले डायग्राम बनाने, रे डायग्राम, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के लिए, राइट. जब आप करोगे तो कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूँ. एक सरफेस बनाओ, इसमें ऑब्जेक्ट मार्क करो, राइट. ये नॉर्मल मार्क करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, ये पोल पी वन ऑफ द फर्स्ट सरफेस, ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे, ये म्यू ऑफ सराउंडिंग एंड ये म्यू ऑफ लेंस, करेक्ट. अब यहाँ से लाइट रे जाएगी ऐसे, ठीक है. एट दिस पॉइंट इट विल बैंड एंड ये हमारा फर्स्ट इमेज होगा,
इमेज बाई फर्स्ट सर्फेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अकेली ये सर्फेस तो है नहीं, एक दूसरी सर्फेस और है, तो अगर दूसरी सर्फेस ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी द अनदर सर्फेस, ठीक है। और ये उस सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये एन वन है, ये एन टू हो गया, ये सी टू हो गया, एंड इसको हम सी बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब ये जो लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे जब इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, सो इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये डेंसर से रेयर मूव कर रही है, तो देन इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन इट विल बी लाइक दिस, और ये हमारी फाइनल इमेज बनेगी, ये फाइनल इमेज बनेगी सेकेंड बाई, ठीक। हाँ, ये एक्चुअल इमेज होगी। सो दिस इज व्हाट इज यू, दिस इज व्हाट इज वी, दिस इज व्हाट वी वन, ठीक है, आर वन आर टू मालूम ही है। अब स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला पहले फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई करो, क्या होगा, माइनस म्यू, माइनस म्यू वन, म्यू वन कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला, म्यू एस अपॉन यू, प्लस म्यू टू, म्यू टू कौन सा है, लेंस वाला, अपॉन वी। फर्स्ट सरफेस के लिए वी क्या है, वी वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, यही हुआ ना, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे ये रिफ्रैक्शन हुआ, नाउ रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड सरफेस, अब सेकेंड सरफेस के लिए लाइट रे कहां से जा रही है, लेंस से आउटसाइड, और सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, जो फर्स्ट सरफेस की इमेज है, तो कितना हो गया, माइनस म्यू एल अपॉन वी वन प्लस म्यू एस अपॉन वी, वी फाइनल इमेज हो गई, इज इक्वल टू, नाउ ये उल्टा है तो म्यू एस माइनस म्यू एल अपॉन आर टू, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, देन व्हाट यू विल सी, ये गायब हो जाएगा, तो वन प्लस टू करेंगे, देन व्हाट यू हैव, माइनस म्यू एस अपॉन यू प्लस म्यू एस अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, इस साइड से म्यू एस से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, बाई लेंस फॉर्मूला वी नो व्हाट इज दिस, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आर वन आर टू सबके साइन ऐसे ही यूज करेंगे जैसे होते हैं, जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव लेंगे। छापो, क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस आर वन पॉजिटिव आर टू नेगेटिव, ऐसे होते हैं ना,
तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, आर वन पॉजिटिव होगा आर टू नेगेटिव होगा. सो वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि R1 तो पॉजिटिव है ही है, R2 नेगेटिव हो गया तो वो माइनस माइनस वो भी प्लस हो गया, तो हमेशा पॉजिटिव होगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अगर ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो इट मीन्स तुम गलती कर रहे हो. ओके ए इफ म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस then f is positive. क्यों? ये इससे ज्यादा हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया तो टोटल पॉजिटिव हो गया. दैट इज कन्वर्जिंग लेंस. तो ये कन्वर्जिंग हो गया, राइट. सेकेंड इफ म्यू एल लेस देन म्यू एस then f is negative, that is diverging. Now अब अपने मेथ हमेशा के लिए ब्रेक कर लो. A convex lens is not like that, it is always converging. It may behave as diverging depending on in which medium we are using it. ठीक है, अगर हम किसी मीडियम में ऐसे में यूज कर रहे हैं जिसमें जिस मीडियम की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड फॉर कॉनकेव लेंस आर वन नेगेटिव आर टू पॉजिटिव, ऐसे होता है ना, तो ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव. सो व्हाट यू से अबाउट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2? वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए, इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव. देन इफ म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एस देन एफ इज नेगेटिव, दैट इज डाइवर्जिंग. तो ये जो हम बोलते हैं ना कॉन्वेक्स इज कन्वर्जिंग कॉन्केव इज डाइवर्जिंग, ये हम यूजुअली बोलते हैं जब हम एयर में यूज कर रहे होते हैं या किसी ऐसे मीडियम में यूज कर रहे होते हैं जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है. और अगर रिवर्स हो गया तो उल्टा हो जाएगा. इसमें भी इफ म्यू एल लेस देन म्यू एस देन एफ इज पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग. सो अ कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग, सिमिलरली अ कॉन्केव लेंस कैन बिहेव एज ए डाइवर्जिंग एज कन्वर्जिंग. होप सो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी. और पावर जीरो कब हो जाएगी, जब म्यू एल म्यू एस के बराबर हो जाएगा. अगर म्यू एल और म्यू एस बराबर हो गया तो पावर क्या हो गई, जीरो, यानी नो रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन तभी होता है जब दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो. अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो नहीं होगा ना.